हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू खगपति टॉक ऑफिशियल माय यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। आशा करुच्चे आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलि थे। आज आम डिस्कसन करवा जूनियर टीचर रो मैथ पेडागोजी क्लास उपरे। तो आपण मैंने निहाती भाव में क्लास को देखूँ। जदि चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर रखु, जहाँफल कि आपण मैंने नुआ नुआ क्लास चैनल मध्यम देखा पाइबे। तो फ्रेंड्स, जूनियर टीचर 2023 तो एग्जाम चली, तो आगो को जो मान एग्जाम अच्छी, तो आपण मैंने निहाती भाव में यही क्लास को देखु। तो आपण मान एग्जाम आपण मानी बहुत ही हेल्पफुल रो। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखु, प्राक संकाज्य धर्मी पर्याय केबे ठारु आरंभ होइथाय। प्राक संकाज्य धर्मी पर्याय केबे ठारु आरंभ होइथाय। ऑप्शन ए जन्म ठारु 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष रु 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष रु 12 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष रु ऊर्ध। तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष रु 7 वर्ष। तो प्राक संकाज्य धर्मी आरंभ होइथाय। तो जन्म ठारु 2 वर्ष को आम कह संवेदीकारक पर्याय, आउ 7 वर्ष रु 12 वर्ष को आम कह स्थूल संकार्य पर्याय, आउ 12 वर्ष रु ऊर्ध आम कह यथाथ संकार्य पर्याय। तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष रु 7 वर्ष को आम कह प्राक संकाज्य धर्मी पर्याय। नेक्स्ट, क्यों पर्याय पिलाटी मोटा और छोट बोतल अपेक्षा लंबा और पतला बोतल रे अधिक पानी रही थाई बोली धारणा पाए। क्यों पर्याय पिलाटी मोटा और छोट बोतल अपेक्षा लंबा और पतला बोतल रे अधिक पानी रही थाई बोली धारणा पाए। ऑप्शन ए संवेदीकारक, ऑप्शन बी प्राक संकार्य, ऑप्शन सी स्थूल संकार्य, ऑप्शन डी यथाथ संकार्य। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी प्राक संकार्य पर्याय। तो नेक्स्ट जीवा, संक्षिप्तता होची बुद्धि और धीशक्तिर आत्मा, उक्तिटी कहार। संक्षिप्तता होची बुद्धि और धीशक्तिर आत्मा, उक्तिटी कहार। ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी टॉमस मुनर, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी शेक्सपियर। तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी शेक्सपियर। नेक्स्ट, गणित ज्ञान और दक्षता कहाँ आवश्यक। गणित ज्ञान और दक्षता कहाँ आवश्यक। ऑप्शन ए शिक्षार्थी, ऑप्शन बी व्यवसायी, ऑप्शन सी दिन मजूरिया, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। ज्ञान और दक्षता आमर शिक्षार्थी व्यवसायी दिन मजूरिया आवश्यक। गणित ज्ञान और दक्षता आमर सबुजाक आमर आवश्यक, शिक्षार्थी व्यवसायी दिन मजूरिया आवश्यक थाए। तो यार आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गणित पढ़ा जाऊथिबा प्रसंग सब केउपरि सजा जाइथाय। गणित पढ़ा जाऊथिबा प्रसंग सब केउपरि सजा जाइथाय। ऑप्शन ए निर्दिष्ट क्रम, ऑप्शन बी सरल रु जटिल क्रम, ऑप्शन सी ज्ञात रु अज्ञात क्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त क्रम। तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त क्रम। गणित पढ़ा जाऊथिबा प्रसंग सब सजा जाइथाय निर्दिष्ट क्रम, सरल रु जटिल क्रम, ज्ञात रु अज्ञात क्रम, एपरी सजा जाइथाय। तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। अधिक मितभाषी हेबा गणित शिक्षणर केउ मुख्य उद्देश्य अंतर्भुक्त। अधिक मितभाषी हेबा गणित शिक्षणर केउ मुख्य उद्देश्य अंतर्भुक्त। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी मनोक्रियात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी भावात्मक। अधिक मितभाषी हेबा आमर गणित शिक्षण रे भावात्मक मुख्य उद्देश्य अंतर्भुक्त। तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी भावात्मक। नेक्स्ट, घंटा देखि समय कहिबा गणित शिक्षणर केउ मुख्य उद्देश्य अंतर्भुक्त। घंटा देखि समय कहिबा गणित शिक्षणर केउ मुख्य उद्देश्य अंतर्भुक्त। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक,
ऑप्शन सी मनोक्रियात्मक, ऑप्शन डी कौनसीटी नुहे। तो यार आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी मनोक्रियात्मक उद्देश्य अंतर्भुक्त। तो यार आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कौनसी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारु उपयुक्त पद्धति कौन। कौनसी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारु उपयुक्त पद्धति कौन। ऑप्शन ए आरोह, ऑप्शन बी अवरोह, ऑप्शन सी क्रीड़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो यार आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए आरोह पद्धति। कौनसी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारु उपयुक्त होची आमर आरोह पद्धति। तो यार आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए आरोह पद्धति। नेक्स्ट अधिकांश क्षेत्र रे समस्या समाधान करने पर क्यों पद्धति व्यवहार करा जाए। अधिकांश क्षेत्र रे समस्या समाधान करने पर क्यों पद्धति व्यवहार करा जाए। ऑप्शन ए आरोह, ऑप्शन बी अवरोह, ऑप्शन सी संश्लेषण, ऑप्शन डी विश्लेषण। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी अवरोह पद्धति। तो यार आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी अवरोह पद्धति। नेक्स्ट केउटी क्रीड़ा पद्धतिर वैशिष्ट्य। केउटी क्रीड़ा पद्धतिर वैशिष्ट्य। ऑप्शन ए पाठ प्रति भय दूर हुए, ऑप्शन बी आनंददायी, ऑप्शन सी सौभागी शिक्षण हुए, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो यार आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्यों पद्धति साधारण सत्यरु निर्दिष्ट सत्य आड़क गति करिथाय। क्यों पद्धति साधारण सत्यरु निर्दिष्ट सत्य आड़क गति करिथाय। ऑप्शन ए आरोह पद्धति, ऑप्शन बी अवरोह पद्धति, ऑप्शन सी संश्लेषण पद्धति, ऑप्शन डी विश्लेषण पद्धति। तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अवरोह पद्धति रे। क्यों पद्धति रे साधारण सत्यरु निर्दिष्ट सत्य आड़क गति करिथाय। तो अवरोह पद्धति रे साधारण सत्यरु निर्दिष्ट सत्य आड़क गति करिथाय। ओ आरोह पद्धति रे निर्दिष्ट सत्यरु साधारण सत्य रे आड़क गति करिथाय आमर आरोह पद्धति। आउ संश्लेषण पद्धति होउछि ज्ञातरु अज्ञात आड़क गति करिथाय। आउ विश्लेषण पद्धति रे अज्ञातरु ज्ञात आड़क गति करिथाय। तो यार आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी अवरोह पद्धति। नेक्स्ट केउं पद्धति मुहूर्तरु अमृत आड़क अग्रसर होइथाय। केउं पद्धति मुहूर्तरु अमृत आड़क अग्रसर होइथाय। ऑप्शन ए आरोह, ऑप्शन बी अवरोह, ऑप्शन सी संश्लेषण, ऑप्शन डी विश्लेषण। तो यार करेक्ट आंसर कोडा हो। तो यार करेक्ट आंसर कोडा हो। तो यार आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए आरोह पद्धति रे। आरोह पद्धति रे मुहूर्तरु अमृत आड़क अग्रसर होइथाय। आउ अवरोह पद्धति रे अमृत मुहूर्तरु आड़क अग्रसर होइथाय आमर अवरोह पद्धति रे। अमृतरु मुहूर्तरु आड़क अग्रसर होइथाय। तो यार आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए आरोह पद्धति। नेक्स्ट गणित शिक्षणर केउं पद्धति संक्षिप्त सहजोग श्रृंखलित। ऑप्शन ए आरोह, ऑप्शन बी अवरोह, ऑप्शन सी संश्लेषण, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो यार आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी संश्लेषण पद्धति। गणित शिक्षणर आमर संश्लेषण पद्धति रे संक्षिप्त सहजोग श्रृंखलित होइथाय। तो यार आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता किए। मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता किए। ऑप्शन ए ग्लासरफेल्ड, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी भाइगोटिक्सकी, ऑप्शन डी पियाजे। तो यार आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए ग्लासरफेल्ड। ग्लासरफेल्ड होची मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता। आउ सामाजिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता किए। सामाजिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता किए। तो आमर
ଭାଇଗୋଟସ୍କି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା। ତୋ ଏର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭାବଭିତ୍ତିକ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ ତ ଏହାର ଅନୁସାରେ ଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଭାବଭିତ୍ତିକ। ଭାବଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବିଶ୍ଳେଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିଶ୍ଳେଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏସବୁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପନ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ନୁହେଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାସ୍ତବତା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜ୍ଞାନ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବତା, ଶିକ୍ଷଣ, ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପିତାମାତା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ। ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ତ ଏହାର ଅନୁସାରେ ଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ବିନ୍ଦୁ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ, ମୂର୍ତ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅମୃତ ଧାରଣା ହାସଲ ଉପରେ କାହାର ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଡାଭିଡ୍ ମବ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜିଆ ପିଆଜେ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବ୍ଲୁମର୍। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଡାଭିଡ୍ ମବ୍। ନେକ୍ସଟ, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆରୋହ ଅବରୋହ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କ୍ରୀଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି କ୍ରୀଡ଼ା। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ। ନେକ୍ସଟ, କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗଠନମୂଳକ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନିଦାନାତ୍ମକ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଦାରଖ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଗଠନମୂଳକ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନିଦାନାତ୍ମକ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗଠନମୂଳକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ?
ऑप्शन ए व्यवस्थान, ऑप्शन बी समाप्ति सूचक, ऑप्शन सी गठनमूलक, ऑप्शन डी निदानात्मक। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी समात सॉरी ऑप्शन नंबर बी समाप्ति सूचक। शिक्षार्थी मानकर शिक्षण उपलब्धि को सर्टिफिकेट देबा पई हेले हमर समाप्ति सूचक मूल्यांकन करा जाय थाए। तो यार आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एकक परीक्षण केउ प्रकार मूल्यांकन अंतर्गत, एकक परीक्षण केउ प्रकार मूल्यांकन अंतर्गत, ऑप्शन ए व्यवस्थान, ऑप्शन बी समाप्ति सूचक, ऑप्शन सी गठनमूलक, ऑप्शन डी निदानात्मक। तो यार आंसर होची ऑप्शन नंबर सी गठनमूलक। नेक्स्ट, केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे, केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे, ऑप्शन ए स्वल्प उत्तरमूलक, ऑप्शन बी सत्यासत्य प्रश्न, ऑप्शन सी बहु विकल्प प्रश्न, ऑप्शन डी मेलक प्रश्न। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए स्वल्प उत्तरमूलक, किंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। तो यार आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को कौन कहुए, दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को कौन कहुए, ऑप्शन ए मेलक, ऑप्शन बी समापन, ऑप्शन सी दि विकल्प, ऑप्शन डी बहु विकल्प। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी दि विकल्प कहुए। नेक्स्ट, सामग्रिक मूल्यांकन पई केउ प्रकार परीक्षण करा जाए, ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी निष्पादन, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। सामग्रिक मूल्यांकन पई आमर लिखित मौखिक निष्पादन ए सबु प्रकार परीक्षण करा जाय थाए। तो यार करेक्ट आंसर होची उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट, पूर्ण संख्यार जग प्रक्रियार क्रम विनिमय नियमर सत्यता प्रतिपादन कर, पूर्ण संख्यार जग प्रक्रियार क्रम विनिमय नियमर सत्यता प्रतिपादन कर, यह क्यों प्रकार प्रश्न, ऑप्शन ए निर्दिष्ट उत्तरमूलक, ऑप्शन बी रचनात्मक, ऑप्शन सी मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न, ऑप्शन डी कौनसी नुहे। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक प्रश्न। नेक्स्ट, तो देखंतु लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 केउ धारा अनुजाई शिक्षक शिक्षार्थीर शिक्षण अग्रगति संपर्क रे पितामाता व अभिभावक मानक सह आलोचना करिवे, ऑप्शन ए धारा 29, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 24 घ, ऑप्शन डी धारा 29 उ। तो केउ धारा रे, तो एरा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी धारा 24 घरे, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 रे धारा 24 घ अनुजाई शिक्षक शिक्षार्थी शिक्षण अग्रगति संपर्क रे पितामाता व अभिभावक मानक सह आलोचना करिवे। तो धारा 24 घरे कुआ जाय छी। हाय, भिडियोटी भल लागतिल चैनल को लाइक करंतु एंड सांग साथी मानक सेयार करंतु। थैंक यू।